बिहार के मधुबनी में आज सुबह मधेपुरा डीएम की गाड़ी फुलपरास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों और घायलों को लेकर अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है। घायल को इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना सुबह के करीब 7 से 8 बजे के आसपास की है। मरने वाले चार लोगों में दो स्थानीय और दो NHAI के कर्मी बताए जा रहे हैं। इनमें से एक महिला है और एक बच्चा है। एक अन्य जो घायल हुआ है उसे बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मधेपुरा DM विजय प्रकाश मीणा की गाड़ी दरभंगा से मधेपुरा की ओर जा रही थी। घटना से आक्रोशित हुए लोग NH57 को जाम करने के बाद हंगामा करने लगे हैं। लोगों ने DM की गाड़ी को घेर लिया है, गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे। फुलपरास थाने के पास फोरलेन पर ये दुर्घटना हुई है। घटना के बाद मधेपुरा की जिलाधिकारी की गाड़ी घटना स्थल पर ही खड़ी है। हादसे के बाद मधुबनी DM की गाड़ी रेलिंग से टकरा गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि सुबह के समय में NHAI के कर्मी सड़क पर सफेद पट्टी पेंट कर रहे थे, तभी अचानक एक महिला और एक बच्चा सड़क पर आ गए। उन्हें बचाने के लिए DM की गाड़ी के ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, लेकिन पांच लोग गाड़ी की चपेट में आ गए। DM की गाड़ी में मधेपुरा के DM थे या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस घटना स्थल पर कैंप कर रही है और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस हादसे से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है।